Bismillahirrahmanirrahim. Uh, in this lecture, we will talk about the purposes of the database uh, system. In my previous lectures, we have been discussed about uh, what is database and uh, what uh, is the DBMS. As I told you before, the database is the organized collection of logically related data, and we have been discussed about in a very detail in my last video. Uh, about the database and the software which is used for the creation and manipulation of the database. known as database management system. now here in this lecture today we talk about what is the purpose of the database system. database uh, use as i told you before uh, that uh, previously uh, the filing system was conventional file processing system. And in that system, many disadvantages were there um, as we have been studied that programs were data dependent. The, due to this program data dependency, many problem arises in which uh, uh, the most common problems were uh, data redundancy, data inconsistency, uh, data excessive maintenance uh, and uh, data integrity problems, uh, right? सो uh, so, इस लेक्चर में हम आज बात करेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ़ डेटा बेस सिस्टम चूँकि कन्वेंशनल फायर प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स uh, सामने आ रहे थे जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया उन प्रॉब्लम्स का तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए um, एक नए अप्रोच की ज़रूरत महसूस की गई एंड दैट न्यू अप्रोच वाज़ द डेटा बेस सिस्टम ओके नाउ हाउ दिस डेटा बेस सिस्टम कवर्स आल दोज शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो डेटा ट्रेडिशनल फ़ायर प्रोसेसिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स सामने आ रहे थे um, उनको ओवरकम करने के लिए डेटा बेस सिस्टम जनरेट uh, किया गया ओके डेटाबेस अप्रोच में uh, हमने बात की थी कि हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं एंड डेटा बेस इज़ दर्गनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा ओके जो प्रीवियसली ड्राबेक्स थे कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में उसमें जो हमने मेन प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे उनमें डेटा रिटेंडेंसी एंड इनकन्सिसटेंसी इनका जिक्र किया था कि वट इज़ डेटा रिटेंडेंसी एंड वट इज़ इनकन्सिसटेंसी डेटा रिटेंडेंसी मीन्स के द डेटा इस्टोरड एट मल्टीपल लोकेशंस अबाउट द सेम इंटिटी एंड इनकसिस्टेंसी मीन्स वैन वी वर हैविंग वन वी आर हैविंग डिफरेंट डेटा वेल्यूज फॉर द सेम इंटिटी फॉर द सेम एट्रीब्यूट्स ठीक है तो इसको हम इनकसटेंसी कहते हैं क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स थे ये कन्वेंशनल फायल प्रोसेसिंग सिस्टम्स में मौजूद थे ठीक है और इसका काज भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इसका काज क्या था जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलप होते थे वो अंडर द कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डिवलप्ड होते थे जिसमें एप्लीकेशंस जो है वो और जो डेटा आ, हो, होता था टास्क और डेटा उनको कंबाइन यूनिट कंसिडर किया जाता था मींस पे प्रोग्राम जो थे वो डेटा डिपेंडेंट थे ड्यू टू तो दिस डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स अराइज हुए थे डेटा डिपेंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ओके और जो दूसरा एक प्रॉब्लम था वो था डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा ठीक है एक ये प्रॉब्लम भी था कि चूँकि डेटा जो है वो मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर होता था एंड डेटा को अपडेट करना भी मुश्किल था अगर आप कंसिस्टेंसी से बचना चाहते हैं या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी से बचना चाहते हैं या आप कंसिस्टेंट डेटा को अलाउ नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको मल्टीपल लोकेशंस पे डेटा को प्रॉपरली अपडेट करना पड़ता था ठीक है बट चूँकि कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आ, ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी ठीक है जिसके ज़रिए आप डेटा को आ, इन नो टाइम अपडेट कर सकें तो आ, चांसेस होते थे कि सम ऑफ द लोकेशन जो है वो अपडेट से आ, रह जाते थे ठीक है जहाँ पर अपडेट ना हो सकता था तो इस अपडेट ना होने की वजह से डेटा इनकन्सटेंट होता था फाइल्स में ठीक है तो डेटा बेस सिस्टम ने इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर दिया चूँकि डेटा बेस इज़ अ शेयर्ड रिसोर्स एक शेयर्ड रिसोर्स हैं डेटा को चूँकि एक प्रॉपर वे में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया जाता है कैटेगराइज किया जाता है तो डेटा इज़ अवेलेबल सेंट्रली ठीक तो से है तो इससे ये प्रॉब्लम है कि डेटा को जो प्रोग्राम्स डेटा डिपेंडेंसी का जो प्रॉब्लम था यानी एप्लीकेशंस को अलग से डील किया जाता है और डेटा को अलग से तो जो डेटा को डील किया जाता है वो उसको उसके लिए डेटा बेस का कॉन्सेप्ट आया ठीक है बट नाउ डेटा इज सेपरेट फ्राम टोटली सेपरेट फ्राम द एप्लीकेशन प्रोग्राम नाउ इफ़ यू मेक अ लिटल चेंज टू योर डेटा इट विल नाट एफेक्ट द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड इफ़ यू मेक चेंजेस टू योर एप्लीकेशन प्रोग्राम इट विल नॉट इफ़ेक्ट द डेटा फाइल्स ठीक है ये डेटा को एक uh, न, मतलब इफेक्ट नहीं करेगा तो डेटा uh, चूंकि अब सेपरेट uh, यूनिट में हो गया था ठीक है डेटा इज अवेलेबल सेंट्रलाइज्ड उस लोकेशन पे स्टोर था एक डेटा बेस आ गया डेटा बेस अ शेयर्ड शेयर्ड रिसोर्स मीन्स जिसको एवरी यूजर कैन ईजिली Uh, have the access to the data of the database। बेस so, तो uh, इससे um, ये हुआ कि जो data की redundancy थी उसको minimize कर दिया गया क्योंकि ना एक, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह का डेटा use uh, हो रहा है ठीक है uh, same entities इंटिटीज़ uh, data processing हो रही है तो it is not नेसेसरी uh, के डे आर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डेटा को सेपरेटली मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर करें इसके लिए बेस्ट जो सूटड सॉल्यूशन है दैट इज़ स्टोर द डेटा सेंट्रलाइज्ड ठीक है डेटा इफ डेटा इज अवेलेबल एज सेंट्रलाइज्ड एवरी यूजर ऑफ़ द डेटा विल हैव द एक्सेस टू दैट डेटा सो डेटा बेस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू स्टोर द डेटा इज अ सेंट्रलाइज A uh, platform uh, database will provide you a platform where you can uh, store the data centrally, and every user will have the access to the database according to his her need. So when uh, the database is uh, shared resource, everyone can share it data. So there is no need to store the data redundantly in multiple files. Uh, this is how by using the database approach uh, data. रिडेंडेंसी इज़ बींग मिनिमाइज्ड एंड वंस डेटा इज डेटा डिटेंडेंसी इज मिनिमाइज आटोमेटिकली यू विनीमाइज द इनकन्सिस्टेंसी चूँकि अब आपका डेटा जो है वो सेंट्रली स्टोर है एक ही लोकेशन पे स्टोर है एंड आल द यूजर आर शेयरिंग द डेटा ऑफ द डेटा बेस सो देयर इज नो चांस ऑफ इनकनसटेंसी ठीक है मतलब अगर डेटा को अपडेट भी करना है तो एक ही लोकेशन पे अवेलेबल होने की वजह से एक ही लोकेशन पे डेटा को अपडेट किया जाएगा और एक ही लोकेशन पे डेटा अपडेट होने की वजह से जो अपडेटेड डेटा है वो मल्टीपल यूज़र्स को अवेलेबल होगा तो ये नहीं होगा कि एक यूज़र के पास एक किस्म का डेटा आ रहा है और दूसरे यूज़र के पास दूसरे किस्म का डेटा है

कंसिस्टेंट रहेगा क्योंकि डेटा जो है वो एक लोकेशन पे स्टोर है मल्टीपल लोकेशन पे नहीं स्टोर है ठीक है सो डेटा बेस के uh, एक uh, जो एडवांटेज है उसने तमाम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर दिया जिसमें जो कि हमें कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में uh, मिल रहे थे यानी डेटा जो है इट इज़ नाउ अवेलेबल एट एज अ शेयर रिसोर्स एंड प्रोग्राम्स आर नॉट डेटा डिपेंडेंट ठीक है ओके द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेजेस विच वाज इन कन्वेंशल फाइल प्रोसेसिंग इट वाज द डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा यूजर्स जो हैं उनको डेटा एक्सेस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज का सामना होता था ठीक है क्योंकि यू हैव नीड टू राइट अ न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क क्योंकि हर दफ़ा एक नए एप्लीकेशन के लिए डेटा फाइल्स को भी उनके साथ ही स्टोर करना पड़ता था ठीक है तो इसकी वजह से अगेन बात उसी पे आ जाती है कि डेटा स्टोर्ड रिडेंडेंटली ठीक है तो डेटा को एक्सेस करना जो है इट वाज डिफ़िकल्ट क्योंकि हम रिडेंडेंट डेटा पड़ा होता था तो रिडेंडेंसी की वजह से इनकन्सटेंसी थी सो करेक्ट डेटा को एक्सेस करना इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट इन कन्वेंशन फॉल प्रोसेसिंग सिस्टम बट इन डेटा बेस अप्रोच आपके पास चूँकि रिडेंडेंसी मिनिमाइज हुई है और रिटेंडेंसी ने इनकन्स्टेंसी को मिनिमाइज किया है तो इस वजह से आपके पास जो डेटा रिट्रीवल है या डेटा एक्सेसिंग है वो भी इम्प्रूव uh, हुआ है ठीक है और करेक्ट डेटा आपके पास अवेलेबल होता है एंड यू कैन एक्सेस इट विदिन नो टाइम ठीक है ओके द प्रॉब्लम ऑफ डेटा आइसोलेशन आई टोल्ड यू द एड न्यू एप्लीकेशन्स व Uh, developing and so you have to store the data redundantly in conventional file processing system so this was also a problem I'm not going in detail as uh, I have to, uh, I have a detailed lecture on uh, the disadvantages of a conventional file processing system uh, you can check that you can um, watch my that video you will understand it okay okay uh,

आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू भी अपने कॉन्सटेंट इंप्लीमेंट कर सकती हैं और आप विद इन द डेटा बेस जो है वो भी जो इंटीग्रिटी कॉन्सटेंट है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स की मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि यानी आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अगर रूल्स हैं ठीक है और वो उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहता है अपने डेटा पे जैसे हमने अपोज एक कॉलेज की एग्जाम्पल ली थी कि अगर उसमें स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है और उनके लिए लिए जो ऑपटेन मार्क्स हैं उन पे एक चेक लगाना है कि भाई उनके जो ऑपटेन मार्क्स हैं वो सिक्स सिक्सटी हो या सिक्स सिक्सटी से ग्रेटर हो उनका फर्स्ट डिवीज़न हो तो उनको मैरिट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा ना या उनका जो डिवीज़न है डी uh, है उन डिवीजन डी वाले स्टूडेंट्स को अगर अलाउ किया जाएगा बट डी के बाद जो डिवीजन आ रहे हैं लाइक ई एंड एफ़ ग्रेड्स जो हैं डिवीजन uh, और ग्रेड्स जो हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा नाउ ये जो कॉन्स्ट्रेंट है uh, ये एक रिस्ट्रिक्शन है अब इस रिस्ट्रिक्शन को एम्प्लीमेंट करने के लिए आपने अपने uh, जो प्रोग्राम है उसमें इस तरह का चेंज लाना है के आ, आप इजीली जो है एक कंडीशन लगा सके आप टेन मार्क्स हैं स्टूडेंट पे कि जब स्टूडेंट अप्लाई करें ठीक है ऑनलाइन अप्लाई करें आ, आपके कॉलेज में तो उसके मार्क्स पे पहले से एक चेक लगा हो कि भाई अगर मार्क्स हैं दे आर लेस देन सिक्स सिक्सटी सो दे आर नॉट अलाउड टू सबमिट देयर फॉर्म इन द कॉलेज नाउ ये एक रिस्ट्रिक्शन है ठीक है और ये एक इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट है जो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपने डेटा पे या अपने प्रोग्राम पे तो अब इस तरह का कॉन्स्ट्रेंट जो था वो कन्वेंशन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आ, किसी हद तक लग तो जाता था यानी हम लगा लेते थे कॉन्सट्रेंस बट इफ लेटर ऑन वी नीड टू चेंज टू मेक सम चेंजेज इन अवर फाइल्स सो इट वॉज दैन डिफ़िकल्ट टू मेक चेंजेस इन द फाइल्स ठीक है जो प्रोग्राम्स थे अप्लीकेशन प्रोग्राम उन में चेंज लाना मुश्किल होता था क्योंकि अब चेंज लाना कैसे मुश्किल होता था मीन्स कि अगर आप चेंज लाना चाह भी रही होती हैं तो उसमें ये बात है कि आपने अपने पूरे प्रोग्राम को अफेक्ट करना है तो आपने उन तमाम जगहों पर चेंजेस शो चेंजेस जो है वो कैरी करनी है आ, जिसकी वजह से आपका डेटा बेस जो, आ, जो आपके फाइल्स है वो इफेक्ट ना हो सके ठीक है तो कन्वेंशन फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इंटीग्रिटी कॉन्सट्रेंस को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था ठीक है जबकि आपके पास डेटाबेस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कॉन्सट्रेंस को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है आप एप्लीकेशन लेवल पे भी कॉन्सट्रेंट लगा सकती हैं और आप डेटा बेस लेवल पे भी कॉन्सट्रेंट लगा सकती हैं ठीक है आप किसी एक डेटा आइटम पे कॉन्सटेंट एड कर सकती हैं लेटर ऑन आई विल टेल यू डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्सट्रेंस दैट वी कैन इम्प्लीमेंट ऑन द डेटा By using the database approach, so this problem was also overcome in the database uh, approach. yani is problem ko bhi database file system mein cover kar liya gaya tha Atomicity of updates ये भी मैंने आपको पूरा last lecture में बड़ा detail में बताया था कि what is atomicity ठीक है यानी जो मैंने आपसे कहा था कि लॉस ऑफ अपडेट का जो प्रॉब्लम होता है कंकरण एक्सेस में ठीक है या जो डेटा जो है अगर वो एक से ज़्यादा आ, बंदे एक वक्त में एक्सेस करते हैं तो चांस है कि उसमें आ, एक का जो डिडक्शन है या जो आ, अपडेशन है डेटा पे वो ना हो ठीक जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें एक एग्जांपल दी थी वीडियो में कि भाई अगर एक एक, एक बैंक में ट्रांसैक्शन हो रही हैं और एक यूज़र ने एक अकाउंट से कुछ बैलेंस निकाला है तो रिमेनिंग रिमेनिंग बैलेंस पे ट्रांसैक्शन होना चाहिए जब दूसरा यूज़र उस उसी अकाउंट से कुछ अमाउंट विदड्रा करना चाहे अगर वो जॉइंट अकाउंट है तो आ, और एक ही वक्त में दोनों जो यूज़र्स हैं वो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो इस तरह का चेक हो कि भाई जो डेटा uh, में चेंज जा रहा है तो वो दोनों के लिए व्यू हो सके ठीक है ताकि हम हिडन एरर्स को प्रॉपरली डील कर सकें तो अटामिसिटी का प्रॉब्लम जो है अटामिसिटी ऑफ अपडेट्स जो हैं इट वाज नॉट अवेलेबल इन डेटा बेस इन कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बट इन डेटा बेस प्रोसेसिंग सिस्टम इट वाज अवेलेबल एंड यू कैन ईज़ीली अपडेट द रिकार्ड विदाउट द फियर ऑफ अटामिसिटी प्रॉब्लम्स ठीक है अटामिसिटी प्रॉब्लम्स कौन से थे यानी फेलियर्स मे लीव डेटा बेस इन एन इनकनसिस्टेंट स्टेट विद अ पार्शियल अपडेट्स कैरीड आउट पार्शियल अपडेट्स कैरीड आउट मीन के आधा ट्रांसेक्शन तो हो गया है और आधा ट्रांसक्शन नहीं हुआ है जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो uh, में मैंने एग्जाम्पल ली कि अगर ए और बी जो है दो जॉइंट्स दो यूज़र्स हैं और वो सेम अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं तो ए का ट्रांजेक्शन तो अप्लाई हो गया बट बी का जो है वो किसी वजह से फेल हो गया ठीक है तो दिस वाज़ द एटामसिटी प्रॉब्लम ठीक है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम डेटाबेस में काफ़ी हद तक विद द इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंस कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है बट कन्वेंशन फायर प्रोसेसिंग सिस्टम में इट वॉज वेरी मच डिफ़िकल्ट टू हैंडल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ठीक है तो ऑफ अपडेट्स का जो प्रॉब्लम था वो भी डेटा uh, बेस के डेटा um, बेस की वजह से इम्प्रूव हो गया था मतलब uh, प्रॉब्लम जो है उसमें ओवरकम हो गया था ओके okay, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था जो हमने जिक्र किया था कि कनकर एक्सेस बाय मल्टीपल यूज़र अच्छा जो आ, हमारे पास डेटा बेस प्रॉ जो कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स थे ठीक है तो एक्चुअली वो डेटा बेस फायलिंग सिस्टम के एडवांटेज़स बन गए थे ठीक है मतलब प्रोग्राम जो था वो डेटा डिपेंडेंट थे कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में तो डेटा में प्रोग्राम जो थे वो डेटा इनडिपेंडेंट थे ठीक है कन्वेंशनल फ़ायर प्रोसेसिंग सिस्टम में रिडंडेंसी थी तो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में रिडंडेंसी मिनिमाइज हो गई थी अच्छा वहाँ पे कन्वेंशनल फायर प्रोसेसिंग सिस्टम में इनकनसिसटेंसी का प्रॉब्लम था ड्यू टू डिटेंडेंसी तो डेटाबेस फाइलिंग सिस्टम में uh, वो जो प्रॉब्लम था वो इनकन्सटेंसी ऑफ डेटा वो रिमूव हो गया था रिटेंडेंसी का प्रॉब्लम भी रिमूव हो गया था ठीक है तो वहाँ जो जितने भी डिसएडवांटेजेस थे जब डेटाबेस अप्रोच आया तो उसने उनको इतना कवर कर लिया कि वो यहाँ पे अब फिर एडवांटेजेस बन गए थे ठीक है ओके कनकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स ये भी हमने डिस्कस किया था कि चूंकि डेटा बेस जो है वो अवेलेबल है यूज़र्स के लिए एज अ शेयर रिसोर्स तो नाउ यूजर्स आर फ्री टू एक्सेस द डेटा बेस डेटा एज कनकर एज साइमल्टेनियसली ठीक है यानी एक ही वक्त में दो तीन यूज़र जो हैं कि डेटा आइटम को ईजिली uh, एक्सेस कर सकते हैं विदाउट मेकिंग द इटामिटी प्रॉब्लम्स इतने आपके पास डेटा बेस में चेक्स एंड इंटिग्रिटी कॉन्सटेंट और मेजर्स uh, हैं कि जिनके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से यू कैन ईजीली एक्सेस द डेटा कंकरेंटली ठीक है तो हम कन्वेंशन फायर प्रोसेसिंग सिस्टम में अनेबल थे कि हम के हम कनकर डेटा uh, को करंटली एक्सेस कर सके अगर कर भी लेते तो इसमें एटामिस्टी प्रॉब्लम्स एंड लॉस ऑफ अपडेट्स के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन चूँकि डेटा बेस फाइलिंग सिस्टम में आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं डेटाबेस प्रोसेसिंग सिस्टम में आपके पास जो कॉन्सट्रेंस हैं वो इतने अब चेक्स काउंसटेंस इतने अवेलेबल हैं कि यू कैन इजली इम्प्लीमेंट दैम एंड यू कैन सिक्योर योर डेटा बेस अगेंस्ट द लॉस ऑफ अपडेट्स एंड एटाम प्रॉब्लम्स एंड यू कैन इम्प्लीमेंट द कंकरेंट कंकरेंसी फीचर इन द डेटा बेस Okay, the next was security problem. Yes, uh, in uh, conventional file processing system, this was again a disadvantage. Uh, we cannot implement uh, the security measures as strong as were possible in the database filing system. The database filing system, I we were having uh, a lot of uh, um, different.